वैसे ही मेरा फाइनली लगेज रेडी हो गया है जाने के लिए और साथ ही टेबल पे ये बैग भी। फिर गाइज अब मैं निकल गई घर से बाहर और आप लोग देख सकते हैं मेरे चेहरे पे खुशी माशाल्लाह। और यहाँ पर आए हम लोग फाइनली पेट्रोल पंप पे, क्योंकि जाने से पहले कहीं भी हम लोग जाते हैं तो पेट्रोल तो लाजमी है पहले ही भरवाने ला, तो वही हम लोग पहले भरवा लिए थे। और यहाँ भीड़ काफ़ी थी तो मैंने सोचा छाछ वगैरह ले लूँ, पर यहाँ पे कोई अंदर था ही नहीं, इसलिए हम लोग वहाँ से मैं रिटर्न हो गई कि चलो आगे चलते हैं, यहाँ पे तो मुझे कुछ दिख नहीं रहा है। फिर गाइस जहाँ पे गाड़ी रुकी हुई तो ये जो चूरा है ये बहुत ही अच्छा बनाता है, और ये यहाँ की हाईवे रोड है वहाँ पर ये बनाता है, तो बहुत ही अच्छा बनाया था। और इससे पहले भी मैंने सिर्फ एक बार खाया था और आज मैं सेकेंड टाइम खा रही हूँ। और यहाँ पे देख सकते हैं हाईवे पे अभी कितनी चहल पहल है, माशाल्लाह रौनक लग रही है हाईवे की। इसमें अपनी गाड़ी के साथ हाईवे पे खड़ी हूँ और अब हम यहाँ से चल रहे थे क्योंकि अब यहाँ से हमें निकलना था, और रास्ते में यहाँ पर आके ट्रैफिक पे थोड़ी सी गाड़ी वगैरह खड़ी हो गई थी। फिर हम गाइस फाइनली पहुँचने वाले थे अलाहाबाद, क्योंकि जो हमारी ट्रेन थी वो अलाहाबाद से थी, तो रास्ते का ये बहुत सा खूबसूरत सा व्यू है जो मुझे बहुत अच्छा लगा और शायद आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगे। तो गाइस इस पल को आप लोग भी इंजॉय करें मेरे साथ, जैसा कि ये न्यू ब्रिज बना है यहाँ पर, और इसका रिटर्न जब कोई वहाँ से होगा तब उस साइड से जाऊँगी। और बाकी नीचे ये देख रहे हैं संगम है। खैर अब हम लोग आगे बढ़ रहे थे और ये है यहाँ का थोड़ा सा अंदर जो टर्मिनल है, छोटा सा बिल्कुल गाइस, एक दो सेकेंड का, गाड़ी से तो बहुत छोटा लगा, खैर वैसे तो लंबा होगा। और अब हम फाइनली गाइस रेलवे स्टेशन पहुंच गए हैं और ये रही मेरी गाड़ी। तो अब यहाँ से लगेज निकाल करके हम लोग फाइनली यहाँ पर प्लेटफॉर्म के सामने आ गए हैं। पर गाइस सबसे बड़ी एक शॉकिंग न्यूज़ थी कि हमारी ट्रेन इस प्लेटफॉर्म पर तो आई नहीं थी, और बहुत ज़्यादा टेंशन हो रहा था कैसे जाएंगे, और उस पार इधर से जाना था बहुत ही दूर। तो फिर ये सडनली हम लोग को मिल गया, जैसा कि आप लोगों ने प्लेटफॉर्म पे ये देखा होगा, एक बहुत ही अच्छा सफ़र करने के लिए बनाया गया है, और बहुत ही कम टाइम में ये हमको उसी प्लेटफॉर्म तक के पहुंचा देगा। और आप लोग जो डर रहता है कि हाँ ट्रेन निकल ना जाए, तो खैर ये एक अच्छा है कि ये ऑप्शन में दे रखा है। और फ़िलहाल इसकी जो सवारी कर रही थी मैं, तो ये ऊपर जा कर के चल रहा था, तो मुझे थोड़ा सा डर भी लगा, फ़र्स्ट टाइम ये मेरा ऊँचे था। वैसे तो मैं इससे पहले भी कर चुकी हूँ, आप लोग ने मेरा अगर पुराना व्लॉग देखा होगा तो मैंने तभी लखनऊ के स्टेशन पे ये यूज़ किया हुआ था। और फिर फाइनली गाइस मैंने अपना लगेज उतारा और यहाँ पर हमारी जो बर्थ थी वो मिल गई अल्लाह के शुक्र से, अल्हम्दुलिल्लाह से, खैर टाइम से और आप सबकी दुआओं से मेरी ट्रेन जो थी वो मिल गई। और बहुत ही आज वाकई में ऐसा लगा कि कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपको बस कुछ ही मिनटों में वहाँ पहुँचना हो। तो खैर आप देख सकते हैं सभी लोग ट्रेन में आ चुके हैं और बैठे हैं, सबको अपनी जगह है। वैसे मुझे लगता है जहाँ तक के कुछ लोगों को पता भी नहीं हो शायद कि ट्रेन कहाँ है, बस यही दुआ है कि कभी किसी की ट्रेन ना मिस हो बस, क्योंकि सफ़र जो होते हैं ज़िंदगी में कुछ बहुत ही ज़रूरी काम से भी होते हैं, और जिनको ज़रूरी काम हो और फिर अगर उनके साथ ऐसा हो जाए तो बहुत बड़ा उनको लॉस भी हो सकता है। इसलिए मैं दुआ करूँगी कभी किसी की भी ट्रेन लॉस ना हो। और देख सकते हैं अब तो फौरन का फौरन ट्रेन चलना भी स्टार्ट हो गई है, और हम बस आए थे 2 ही मिनट हुआ है हम लोग को यहाँ पर, और ट्रेन का जो टाइम था वो एकदम करेक्ट टाइम पर चलना स्टार्ट हो गया है गाइस। फिर भी अब बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, पहले से काफ़ी बेटर लग रहा है कि चलो फाइनली हम लोग बैठ चुके हैं और जो ट्रेन है वो अब हम लोग की चल रही है। तो यहाँ से अब शुरू होता है मेरे रात का सफ़र,
और रात के सफ़र में मैंने कहाँ कहाँ क्या क्या देखा, क्या क्या चीज़ें अच्छी लगी, वो आप लोग भी देखें साथ में मेरे। तो गाइज़ मैं फाइनली अब गाज़ियाबाद क्रॉस कर रही हूँ दिल्ली जाने से पहले, और सिर्फ 15 मिनट में मैं दिल्ली भी पहुँच जाऊँगी यहाँ से। मैं बस कुछ सेकंड में अपने घर पहुंच चुकी। तो गाइस अब हम घर में आ गए हैं और ये है अब ऊपर जाने का रास्ता। तो अब हम रेडी हैं ऊपर पहुंचने के लिए सारे लगेज के साथ। सो अब स्टार्ट हुआ मेरा सफ़र। और फिर
अब बस रेस्ट करूँगी और फिर शाम में व्लॉग शूट करूँगी। तो यहाँ बहुत ज़बरदस्त की आंधी आ रही है और आप लोग मौसम देख सकते हैं कितना ज़्यादा बादल वो है और गर्दा गुर्दा इतना ज़्यादा हो गया यहाँ पे कि कुछ कहने को नहीं। मैं अपने कपड़े फैलाए हुए फटाफट से हटा रही हूँ क्योंकि मैं कपड़े आ करके फ़ौरन बात ले करके फैला दिए थे मैंने कपड़े। तो गाइस जैसा कि जानते हैं गर्मी बहुत पड़ रही है और गर्मी की जो सबसे फ़ायदेमंद चीज़ है वो है बेल का शरबत। तो मैं इसको बना चुकी हूँ और बनाने के बाद फाइनली छान रही हूँ। तो गाइस सुबह की शुरुआत की मैंने चाय से और चाय जानते हैं सुबह में कितना फेवरेट है कितने लोगों का। वैसे मैं एक चीज़ बता देना चाहती हूँ, चाय जो है मैं बिल्कुल भी नहीं पीती हूँ और कभी कभार अगर हुआ बहुत ज़्यादा क्रेविंग तो पिया, वरना मैं चाय को बिल्कुल नहीं पीती हूँ। ज़्यादातर इसको अवॉइड करती हूँ और इसकी जगह पर मैं कॉफ़ी यूज़ करती हूँ, बट वो भी मैं बहुत ज़्यादा नहीं पीती हूँ। तो गाइस मैं अपनी छोटी बहन के कपड़े फटाफट से आयरन कर रही हूँ क्योंकि उसको हो रही है लेट और मेरा बहुत फेवरेट है ये ड्रेस इसका, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और गाइस जो इसकी डिज़ाइन है और कलर इसमें दे रखे हैं वो बहुत अच्छे लगते हैं। आप लोग करीब से देखें कितना प्यारा लग रहा है, इसका कलर कॉम्बिनेशन भी आपको अच्छा लग रहा होगा और डिज़ाइन भी, और इसको करीना कपूर ने भी ऐसा पहना हुआ था। खैर अब मैं जा रही हूँ फ्राइड राइस की रेडी करने, तो इसमें शिमला मिर्च, लहसुन, टमाटर, प्याज, हरी मिर्चें, ये सारी चीज़ें और विनेगर और सोया सॉस ये मैंने ले करके रख लिया है गाइस। और अब मैं जा रही हूँ सबसे पहले गैस ऑन करने और गैस ऑन करके मैं इसमें डालूँगी ऑयल एकदम हिसाब से, क्योंकि मैं ज़्यादा नहीं डालना चाहती हूँ, थोड़े से ऑयल पड़ेंगे सिर्फ जितनी की सब्ज़ियाँ उसमें फ्राई हो जाएं बस उतना ही ऑयल डालें, एक्स्ट्रा ऑयल बिल्कुल भी ना डालें क्योंकि ये सादा सा ऐसे ही बना रही हूँ, बहुत ज़्यादा ऑयल हो जाएगा तो ये अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए मैं ऑयल और जो मिर्चा है उसको ध्यान में रख के कर रही हूँ कि बहुत ज़्यादा स्पाइसी भी ना हो, ऐसा हो कि खा लिया जाए, तो उसके लिए बस यही है कि मैंने हरी मिर्चों को भी कम लिया है और जो रेड चिली पाउडर है मैं उसको बिल्कुल भी नहीं यूज़ करने वाली हूँ इसमें गाइस, ज़रा सा भी नहीं, क्योंकि वो अगर मैं यूज़ करूँगी तो काफ़ी स्पाइसी हो सकता है। खैर इधर मेरा जब तक के ऑयल गर्म हो रहा है तब तक के मैं देख रही हूँ, अगर मुझे मिल जाता है ज़ीरा तो मैं उसमें भी डालूँगी फटाफट से, और अगर नहीं हुआ तो फिर उन्हीं चीज़ों से मैं उसको अच्छी तरीके से फ्राई कर दूँगी। तो तेल मेरा जो है वो अच्छे से हो रहा है और कढ़ाई पे मैंने फ़ौरन डाल दिया था, इसलिए मैं तेल को और भी अच्छे से करूँगी, क्योंकि गाइस राइस जो है वो पहले से मैंने बॉयल कर रखे हैं, बॉयल्ड जो राइस होते हैं उसके बाद ही इसको बनाया जाता है। तो मैंने कहा चलिए आज आप लोग को फ्राइड राइस की क्यों ना रेसिपी शेयर की जाए और आप लोग भी बनाएं उसको खाएं एंजॉय करें, तो मुझे मिला नहीं। खैर फ़िलहाल मैं अब इसमें देख सकते हैं सबसे पहले मैंने लहसुन डाल दिया है उसको अच्छी तरीके से हो जाए, फिर उसके बाद मैं डाल रही हूँ प्याज जो कि ये भी अच्छे से हो जाए फटाफट से। तो मैं इसको पहले थोड़ा सा चला लूँगी प्याज को हल्का सा, गाइस ये प्याज गल जाए पहले तब मैं टमाटर डालूँगी, अभी फ़ौरन नहीं डालूँगी। और प्याज के बाद मैं इसमें डालने वाली हूँ देख सकते हैं टमाटर, तो टमाटर भी फटाफट से हो जाए, और फिर इसके बाद मैंने हरी मिर्चें डाले हैं और ये शिमला मिर्च डाली है, तो शिमला मिर्च का जो टेस्ट आएगा इसके साथ गाइस वो बहुत ही अच्छा आएगा। वैसे तो पत्ता गोभी भी पड़ता है, गाजर भी पड़ता है, फ़िलहाल जो भी वेजेस आपके पास हो आप उसी का बनाएं। फिर टेस्ट के अकॉर्डिंग मैंने सॉल्ट डाला इसमें क्योंकि सब्ज़ियाँ देख रहे हैं अच्छी खासी अब ये गल चुकी हैं और जो थोड़ी बहुत कसर बाकी भी होगी वो ये सॉल्ट से पूरी हो जाएगी और फिर इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगी क्योंकि नमक से काफ़ी सब्ज़ियाँ गल भी जाती हैं जल्दी जल्दी। और अब आप देख रहे हैं मैं विनेगर डाल रही हूँ इसके अंदर थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं डाल रही हूँ, थोड़ा सा ही डालूँगी, और बाकी इसमें मैं डालूँगी सोया सॉस आधा ढक्कन, ज़्यादा नहीं डालूँगी गाइस क्योंकि एक ढक्कन बहुत ज़्यादा हो जाएगा। फिर इसमें मैं राइस मिला दी हूँ और राइस को हल्का सा पकाने के बाद ये माशाल्लाह से मेरा फ्राइड राइस जो है वो रेडी हो गया है।
तो गाइज ये है गर्मियों में पार्क की रौनक, और ये है मौसम जो कि बहुत ही खूबसूरत मौसम हो रहा है, और रौनक इस तरीके से लोगों की भी यहाँ पर है माशाल्लाह से। और गर्मियों में यही अच्छी चीज़ है कि लोग बाहर आते हैं, थोड़ा वर्कआउट करते हैं, तो दो चार लोगों से अच्छी तरीके से बात भी हो जाती है और काम भी फटाफट से अपना फिटनेस का भी हो जाता है। तो ये देख सकते हैं ऊपर जा रहा था प्लेन, कितनी करीब से यहाँ से दिख रहा है। खैर अब मैं यहाँ से अपने व्लॉग को एंड करती हूँ गाइज, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह। तब तक के अपना ख्याल करें, दुआओं में याद रखें और मेरे पूरे व्लॉग को देखें। जैसा कि आज का व्लॉग आप लोगों ने देखा भी होगा, पूरा का पूरा ट्रैक ब्लीम पे बना हुआ है गाइज़।